पशुपालक साथियों, आज का विषय है पशुओं में पानी का महत्व। पशुपालक साथियों, मैं डॉक्टर सुनील बिश्नोई, पशु चिकित्सक, आज इस YouTube चैनल पे नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य पशुपालक का ज्ञानवर्धन व पशुधन का। जैसा कि आप जानते हैं कि पशु के शरीर का जितना भार होता है उसका 60-70% भार केवल पानी से बना होता है। पशु के शरीर में अगर जितनी भी चर्बी या वसा या फैट जो है, अगर वो सारी की सारी खत्म हो जाए, उसके शरीर की जो प्रोटीन है अगर वो 50% खत्म हो जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, लेकिन पानी अगर 10% भी खत्म हो जाएगा तो उसके जीवन के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए शायद जल को जीवन का आधार बताया गया है। जब हम पशुओं की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, गाय और भैंस की बात आती है जिनको हम दूध के लिए पालते हैं। तो आपने देखा होगा कि गाय के दूध में 83% और भैंस के दूध में 87% तक केवल पानी ही होता है। पशु अपनी जरूरत का जो पानी है वो तीन हिस्सों से लेता है। पहला, सीधा पानी पी के, दूसरा जो उसने खाया है भोजन के माध्यम से उसमें जो पानी है उससे, और तीसरा मेटाबॉलिक वाटर जिसको उपापचय जल कहते हैं। देसी भाषा में मैं आपको बताऊं, जिस तरह हमारे घर में फ्रिज होता है, फ्रिज के पीछे एक प्लास्टिक की सी कटोरी लगी होती है जिसमें कुछ समय बाद पानी इकट्ठा हो जाता है, जबकि हम उसमें पानी नहीं भरते। मतलब फ्रिज के अंदर जिस तरह की जो क्रियाएं चलती है और उससे वो पानी उस तरह इकट्ठा हो जाता है, ठीक उसी तरह जो शरीर में चलने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं उनसे जो पानी उत्पन्न होता है वो मेटाबॉलिक वाटर है। पशु कितना पानी पिएगा ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे पशु की प्रजाति, गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर ऊंट घोड़ा, पशु की उम्र, पशु का शरीर का वजन या शरीर की ग्रोथ, पशु गाभिन है या नहीं, पशु दूध देता है या नहीं, पशु किस प्रकार का फीड खाता है, पशु कितनी मात्रा में फीड खाता है, वातावरण का टेम्परेचर क्या है, और पशु की जो पानी दिया जाता है उस पानी की गुणवत्ता क्या है और पानी का तापमान क्या है। तो गाय और भैंस के अंदर जो उनके नवजात बच्चे हैं, जैसे कटड़े कटड़ी बछड़े बछड़ी, वो शुरू के एक महीने तक अपने माँ के दूध से ही अपने पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। लेकिन शोध में ये देखा गया है कि जो कटड़े कटड़ियां जिनको शुरू के एक महीने में दूध के साथ पानी पिलाया जाता है उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है और वो चरना जल्दी स्टार्ट करते हैं। गाय और भैंसें जो दूध देती है उनके अंदर कितना पानी की जरूरत है उसके लिए एक मोटा मोटा सा ये है कि जितना पशु का शरीर का भार उसका 10%, और जो दूध देती है उनके लिए साथ में अतिरिक्त तौर पे 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 से 4 लीटर पानी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझें, अगर एक भैंस का वजन 500 किलो है तो उसको पानी चाहिए 10% भार के हिसाब से 50 किलो। अगर वो 12 किलो दूध देती है तो 4 किलो प्रति लीटर के हिसाब से हम बात करें तो 12 × 4 = 48, तो 48 और 50 98, मतलब लगभग उसको 1 क्विंटल पानी चाहिए। अब ये देखा गया है कि गर्मियों में 25% तक पानी की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है, मतलब जो भैंस सर्दियों में 100 लीटर पानी पीती थी वो अब गर्मियों में 125 लीटर पानी पिएगी। एक तरीका ये भी कहता है कि 1 किलो तूड़ी पचाने के लिए 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कई बार पशुपालक साथी ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, एक पशु को दिन में कितनी बार पानी पिलाएं? वैज्ञानिक तरीका ये कहता है कि एक पशु के पास, उसकी खुरली के पास पानी 24 घंटे होना चाहिए। लेकिन फिर भी विज्ञान ये कहती है कि पशु को दूध बढ़ाना है तो उसको दूध निकालने से 2-1 घंटे पहले उसको पानी पिलाना चाहिए। और पशु जितना पानी पीता है उसका 30% पानी दूध में निकल जाता है और उसकी पूर्ति पशु दूध निकालने के 1 घंटे के अंदर अंदर पानी पी के करता है। मतलब पशु को दूध निकालने से पहले भी पानी की जरूरत है और दूध निकालने के बाद भी पानी की जरूरत है। तो एक बार अगर हम मिल्किंग करते हैं तो उसके लिए 2 बार पानी, 2 बार दूध निकालते हैं जनरली पशुओं में तो 4 बार पानी, जो हाई यील्डर ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनके अंदर 3 बार या 4 बार मिल्किंग होती है। इसका मतलब 6 या 7 बार जो पानी है पशु को इस गर्मियों के सीजन में पिलाना चाहिए कम से कम। शोध में यह भी देखा गया कि जिन पशुओं को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया गया उन पशुओं ने, जिन पशुओं को हम रुक के पानी पिलाते हैं उनके मुकाबले 20 से 25% तक ज्यादा पानी पीते हैं। कई बार पशुपालक पूछते हैं कि जो हमें पानी स्टोर करना है या जिसमें हम पानी पिलाते हैं उसका साइज कैसा होना चाहिए या उसकी क्षमता कैसी होनी चाहिए। साइज और क्षमता आपके डेयरी फार्म के पशुओं की संख्या पर निर्भर करती है, लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है? एक तो जो आपका वाटर टैंक है उसकी गहराई क्या होनी चाहिए,
उसकी गहराई 1.5 से 2 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5-2 फुट से ज्यादा गहराई होगी तो उसके अंदर जो काई ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल बोलते हैं वो जमने लग जाएंगे, क्योंकि 1.5 फुट तक जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो अपनी अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं उनसे उस काई को लगने नहीं देती। तो आपको गहराई 1.5 फुट से 2 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप उसकी चौड़ाई बढ़ा लो। दूसरी चीज, जो आप उसके अंदर की जो सतह है वो टाइल से जरूर बनाएं, ताकि एक तो जब उसको नियमित अंतराल से हम साफ करेंगे तो साफ जल्दी हो जाए, और दूसरा जो आपका वाटर टैंक है वो बाहर से लीक ना करे। सवाल ये भी पूछा जाता है कि पशुओं के पानी पीने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो आदर सत्कार के तौर पे हमें सबसे पहले पानी पिलाते हैं, थोड़ी देर बाद अगर वो मैंगो शेक ले आए तो हम पी लेते हैं, उसके बाद अगर वो चाय या कॉफी ले आए तो भी हम पी लेते हैं। तो ये जो अलग अलग ड्रिंक्स है इसके अंदर बेसिक चीज तो पानी है ना, ठीक उसी तरह हम हमारे पशुओं के पानी पीने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 4-5 विधियां हैं। सबसे पहला, पशु के खुरली में या उसके खाने में जो नमक है, जो लाहौरी नमक है, सेंधा नमक है, या कुछ कंपनी आजकल मिनरल ग्लो भी बनाती है जिसमें नमक के साथ साथ खनिज तत्व भी है, एक वो खिलाया जाए। नमक की एक प्रवृत्ति है, नमक हमेशा अपने साथ पानी को खींचता है। अपने घरों में आपने बच्चों को देखा होगा, जब भी नमकीन या कुरकुरे खाते हैं तो तुरंत पानी मांगते हैं। दूसरा, हमारे घर में जब लस्सी बनती है और जो एक्स्ट्रा लस्सी है उसको जब आप पशुओं को डालोगे तो वो पशु पानी जल्दी पी लेता है। जो कई बार हमारे घर में पशुओं को हम गुड़ देते हैं तो गुड़ जो है वो सीधा डली के रूप में ना देकर उसको अगर हम पानी में घोल के उसके पानी में मिला दें तो भी पशु पानी ज्यादा पी लेता है। और एक जो नई तकनीक है जो वैज्ञानिक के हिसाब से, उसके अंदर है ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर बाउल। आज हमारे साथ गांव हुकमावाली के एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जिनका नाम है गगनदीप सिंह। इनके फार्म पे इन्होंने अपने पशुओं के लिए ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर बाउल जो है वो सिस्टम लगा रखा है। इसके अंदर क्या है कि खुरली के पास पानी उपलब्ध रहता है और 24 घंटे पानी उपलब्ध रहने की वजह से पशु 20% तक पानी ज्यादा पीता है। ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर बाउल जो है वो बहुत ही कम, मतलब प्रोग्रेसिव पशुपालक यूज करते हैं, उनको सलाम। लेकिन उसी गांव के अंदर रहने वाले कुछ लोग जो हैं जिनका काम ही टांग खिंचाई का है, वो ऐसे लोगों को कहते हैं यार तुम लोग तो आलसी हो गए, अपने पशुओं को खोल के पानी नहीं पिला सकते, उनको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। तो उनसे अनुरोध है सुधर जाओ यार। कुछ पशुपालकों का ये सवाल है क्या पानी चेक करवाना चाहिए। देखो, जब आपका पशु का खाना पीना नॉर्मल है, फीड फोडर नॉर्मल है, मैनेजमेंट ठीक है, आप सप्लीमेंट्स टाइम पे दे रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपके पशु की ग्रोथ नहीं हो रही तब आपको पानी चेक करवाना चाहिए। पानी जब भी हम चेक करवाते हैं तो उसके अंदर 4 मोटी मोटी बातें देखी जाती है। नंबर 1, उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी, मतलब पानी के अंदर गंध या टेस्ट तो ठीक है। दूसरा, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी कि पानी जो है उसकी पीएच ठीक है क्या, पानी हार्ड तो नहीं है, पानी के अंदर टीडीएस जो है वो 1000 पीपीएम से नीचे होना चाहिए। आजकल आरओ सभी घरों में लोग यूज करते हैं तो टीडीएस के बारे में सभी जानते हैं। और पानी की जो हार्डनेस है, जो कठोर जल है, उसकी हार्डनेस दूर करने के लिए कुछ लोग चूना या फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। चूना जो है वो पानी की हार्डनेस कम करने के साथ साथ पशु के अंदर शरीर के कैल्शियम की मात्रा को भी पूरा करता है। तीसरा, पानी में कोई इस तरह के जहरीले तत्व तो नहीं है, जैसे पानी के अंदर जो भारी तत्व होते हैं जैसे लेड है, मरकरी है, जैसे हम खेती के काम में यूज लेने वाले जो स्प्रे हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ऑर्गेनोक्लोराइड्स हैं। चौथा पॉइंट देखा जाता है कि पानी में किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, जिसमें हम बैक्टीरिया देखते हैं, और ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं। उन कोलीफॉर्म के अंदर भी वो बैक्टीरिया देखे जाते हैं, जैसे जनरली क्या होता है कि जो घरों में पशु को पानी पिलाते हैं तो उसी तासले से गोबर डाल देते हैं, और उसी तासले में अगर कोई बर्तन नहीं मिलता तो उसको साफ करके पानी पिला देते हैं। तो जो पशु के गोबर के रास्ते से निकलने वाले बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया उसके पानी में नहीं होने चाहिए। साथियों, पानी पशुओं के लिए एक मुफ्त की दवाई है। पानी, ये देखा गया है कि पशु अगर 50% तक पानी कम पी लेता है तो उसकी दूध में 25% तक गिरावट आ जाता है। इसलिए ज्यादा पानी पिएगा, ज्यादा पेशाब करेगा तो जो भी शरीर के अंदर हानिकारक टॉक्सिक तत्व बढ़ते हैं वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे, पशु स्वस्थ रहेगा। ज्यादा पानी पिएगा पशु ज्यादा दूध देगा, पशु ज्यादा पानी पिएगा तो उसके शरीर के चमड़ी के अंदर भी जो पानी का सर्कुलेशन है वो ज्यादा रहेगा, तो पशु का जो तापमान है वो भी मेंटेन रहता है और पशु पे इस वातावरण का तनाव कम रहता है। तो ओवरऑल हम ये कहें कि पशु
को पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पिलाना चाहिए, और अगर पशु आपका पानी कम पीता है तो जो मैंने तरीके बताए उन तरीकों से आप अपने पशु के पानी पिलाने की क्षमता को बढ़ा सकते हो।